नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन है ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था, बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, अंडरलाइन करें इसे, फ्री सरफेस बॉक्स में डालने, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत यूज होता है फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्या होती है? फ्री सरफेस होती है जो लिक्विड, अगर मान लो इस कंटेनर में पड़ा हुआ है, लिक्विड इस कंटेनर में पड़ा हुआ है और वो किसके कॉन्टैक्ट में है, वो एयर के कॉन्टैक्ट में है। तो अगर आपका लिक्विड एयर के कॉन्टैक्ट में है तो ये सरफेस जो एयर के कॉन्टैक्ट में है उसे बोलते हैं फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस कहाँ पर पाई जाएगी? जहाँ पर पानी का सरफेस ख़त्म होगा और एयर की बाउंड्री स्टार्ट होगी, वो फ्री सरफेस है। ठीक, तो वो क्या कह रहे हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, और इम्पॉर्टेंट है लिक्विड किस पे है, रेस्ट पे। चलते हुए पानी में सरफेस टेंशन नहीं होगी, क्योंकि चलते हुए पानी में तो पानी के मॉलिक्यूल ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो वहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, कहीं रैंडम मोशन में हो जाएंगे। तो चलते हुए पानी में कुछ नहीं होगा, खड़े पानी में होगा। रेस्ट पे अगर मान लो लिक्विड पड़ा हुआ है तो उस केस में सरफेस ऑफ द फिल्म बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह वो काम करती है सरफेस, एंड टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या टेंडेंसी है उसके, सरफेस एरिया को छोटा करने की टेंडेंसी है, जो है टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, ताकि वो कम से कम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर सके। जिसमें ये टेंडेंसी ज़्यादा है हम बोलते हैं सरफेस टेंशन ज़्यादा है, जिसमें टेंडेंसी कम है हम बोलते हैं सरफेस टेंशन कम है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को समझें जो मैं समझाने जा रहा हूँ। ये देखो, इमेजिन करो ये आपके पास एक लिक्विड की सरफेस है, ठीक। इस लिक्विड की सरफेस में ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे ही ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं इसमें, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं कोई मॉलिक्यूल पानी के बीच में लेता हूँ, लिक्विड के बीच में लेता हूँ, तो लिक्विड के पड़ोस के मॉलिक्यूल्स इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लिक्विड किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। तो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आती है, जीरो। ठीक है, इक्विलिब्रियम है, रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स क्या आएगी, जीरो, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय ऑल द लिक्विड द मॉलिक्यूल्स, एंड लिक्विड के सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट दिस मॉलिक्यूल बाय सेम फोर्स, एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब इमेजिन करो कि मैं एक मॉलिक्यूल टॉप की सरफेस पे लेता हूं, जो एयर की और पानी की बाउंड्री पे है। अब पानी का जो मॉलिक्यूल है पड़ोस का, वो इसे खींच रहा है और कह रहा है कि इस तरफ नीचे आ जा, हम तेरे को खींच रहे हैं। और इधर से कौन फोर्स लगा रहा है, एयर का मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा कि तू ऊपर आ जा। देखो एयर तो जीत नहीं पाएगी, एयर जीतती होती तो पूरी नदी का पानी उठा के ले जाती, आप गिलास भरते पानी का और तो पानी उड़ गया, क्यों जी एयर ले गई, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। तो एयर तो नहीं नेट फोर्स बड़ी लगा पाएगी, तो किसकी फोर्स बड़ी है, पानी और पानी लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल की फोर्स बड़ी होती है, और एयर और लिक्विड की फोर्स हमेशा छोटी होती है। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, नीचे। तो ओवरऑल ये वर्टिकली नीचे जाएगा। जितने भी मॉलिक्यूल्स टॉप पे हैं वो सारे के सारे कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा नीचे। पर नीचे तो और भी मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, उनके साथ ये रश कर लेंगे, भीड़ कर लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा वो सॉलिड की तरह काम करेंगे, पर टाइट होने से दे विल एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगे। तो ये क्योंकि मॉलिक्यूल टॉप के सरफेस के क्या हो गए, टाइट हो गए। लेकिन ये प्रॉब्लम पानी के नीचे नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी के नीचे नेट फोर्स हमेशा जीरो है। सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी या सरफेस टेंशन की फोर्स कभी भी लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमेशा बाउंड्री पे एग्जिस्ट करेगी जहां पर लिक्विड है और एयर है। तो रीजन समझ में आ रहा है, सारे मॉलिक्यूल डाउन हो गए, नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया उन्होंने, नीचे और भी मॉलिक्यूल है, टाइट हो गए, और टाइट होते जा रहे हैं, और सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, छोटा कर देंगे। और यही प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की। तो क्यों हो रही है सरफेस टेंशन समझ में आ रहा है, और ये चलते पानी में बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल चल पड़े तो फिर नेट फोर्स कैसे लगेगी, ये तो खड़े पानी में होगी। तो इसलिए जिसमें ये फोर्स स्ट्रांग लगेगी और मॉलिक्यूल्स अच्छी स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनाएंगे और एरिया बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगा, हम बोलेंगे सरफेस टेंशन ज़्यादा है। और जहाँ पर ये एरिया बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा, हम बोलेंगे सरफेस टेंशन बड़ी है। क्लियर है यहाँ तक? ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर एयर फोर्स लगा रही है, इन मॉलिक्यूल्स को लिक्विड भी खींच रहे हैं,
लिक्विड लिक्विड की फोर्स बड़ी है और एयर की छोटी है, तो सारे मॉलिक्यूल नेट फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे नीचे, नीचे तो और भी मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं तो टाइट हो गए। अब जैसे मान लो, इमेजिन कर लो, ये स्टूडेंट्स हैं, ये सब आराम से बैठे हुए हैं, यहाँ बाउंड्री खत्म हुई, एयर है। अब मैं तुम्हें खींच रहा हूँ एयर का मॉलिक्यूल, तुम खींच नहीं पा रहे, तुम्हें और पानी के मॉलिक्यूल खींचे जा रहे हैं, तो ये जो सरफेस है उनकी बात नहीं हो रही, वो तो पानी से घिरे हुए हैं। तो ये स्टूडेंट थोड़े पीछे हुए, वो तो बैठे हुए थे, तो ये सारे स्टूडेंट अपर सरफेस पे टाइट हो गए। टाइट हो गए तो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये रीज़न है सरफेस टेंशन होने का। सरफेस टेंशन क्या करेगी? अब सरफेस टेंशन की वैल्यू कैसे इवेल्युएट करते हैं? अब ये तो एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की। अब न्यूमेरिकली अगर किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन की वैल्यू बड़ी है तो हम ये बोलते हैं कि सरफेस टेंशन बड़ी है तो ये प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करेगा, और अगर सरफेस टेंशन छोटी है तो कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी कम शो करेगा। ठीक, तो नेट फोर्स कम होगी डाउन। तो सरफेस टेंशन जहाँ पर होगी वहाँ मॉलिक्यूल्स आपस में क्या लगाएंगे? फोर्सेस लगाएंगे। तो सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। इमेजिन करते हैं एक लिक्विड की सरफेस ले ली, ये एक लिक्विड की सरफेस ले ली, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन खींच ली। देखो ये कोई रॉड नहीं है, इमेजिनरी लाइन खींच ली। लाइन खींचने का मतलब यहाँ पर मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स को ले लिया, ये मॉलिक्यूल्स को इस मॉलिक्यूल इनके ऊपर जो लाइन के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं इसकी लेंथ एल है, मान लो एल लेंथ के मॉलिक्यूल्स लिए, पड़ोस के मॉलिक्यूल इधर के मॉलिक्यूल इसको यहाँ खींच रहे हैं, इधर के मॉलिक्यूल इसको यहाँ खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं। तो जो भी ये फोर्स लगेगी, नेट फोर्स, सारे मॉलिक्यूल जो भी नेट फोर्स लगाएंगे, मतलब सारे मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? लेंथ पे, क्योंकि जितनी बड़ी लेंथ होगी उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या लगेगी? नेट फोर्स भी लगेगी। तो यानी कि ये जो फोर्स लगेगी मॉलिक्यूल्स की आपस में एक दूसरे के ऊपर, ये किस पे डिपेंड करेगी? लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, और साथ में लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करेगी। और लिक्विड की नेचर के लिए यहाँ पर क्या लगेगा? एक कांस्टेंट जिसका नाम है सिग्मा, और सिग्मा को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ। पर कौन सी फोर्स? जो ये जो लाइन के ऊपर जितने मॉलिक्यूल हैं वो आपस में क्या लगा रहे हैं? फोर्स। और कितनी? सिर्फ फोर्स का मतलब न्यूटन है, सरफेस टेंशन न्यूटन नहीं है, फोर्स नहीं है, ये फोर्स है ऑन ऑल दी मॉलिक्यूल जो एल लेंथ के ऊपर लगे हुए हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसके यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर। इसको बॉक्स में डालें, सरफेस टेंशन को टी या सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज कितनी फोर्स, नेट फोर्स लग रही है मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिवाइडेड बाय उन मॉलिक्यूल्स की लेंथ के, एरिया नहीं लेंथ। जितनी छोटी लेंथ होगी उतनी छोटी फोर्स होगी, सिग्मा फिर कांस्टेंट है, तो सिग्मा चेंज नहीं होगा किसी भी लिक्विड का। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हर लिक्विड की कांस्टेंट है, तो अगर आप मॉलिक्यूल्स कम लेंगे, लेंथ कम लेंगे, तो फोर्स भी कम लगेगी, तो ये कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है ना, फोर्स कम है तो लेंथ भी कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की।